A very warm welcome to all my dear students in the 5-minute physics series. This is Saurabh Sharma from Mechanism of Physics Gwalior. बच्चों आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट जो कि IIT JEE में आया हुआ था. इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि फोर हार्मोनिक वेव्स मेरे पास दी गई हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, जिनकी इंटेंसिटीज भी इक्वल है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एम्पलीट्यूड भी इंडिविजुअल कैसा होगा, इक्वल होगा. इनमें फेज एंगल्स क्या दिया गया मेरे को, जो फेज एंगल बना रहे थे वो 0 डिग्री, π/3, 0 π/3, 2π/3 और पाई रिस्पेक्टिव मेरे को दे दिया गया. अब क्या बोला, जब इन वेव्स को मैं सुपर इम्पोज करता हूं, जब इन वेव्स को क्या करता हूं, सुपर इम्पोज करता हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव जो आती है, जो रिजल्टिंग वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी जो होगी मेरे बेटे वो Ni0 होगी. तो क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें एन की वैल्यू क्या होगी. तो IIT JEE के अंदर ये क्वेश्चन इंटीजर फॉर्मेट में था, तो इसका आंसर हमें देना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या किया जाए. अगर उसमें ये बोला कि फोर हार्मोनिक्स वेव है, फोर हार्मोनिक्स वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास इक्वल दे दी गई, ठीक है, और इंटेंसिटीज भी मेरे को कैसी दे दी गई, इक्वल दे दी गई I0, और फेज एंगल मेरे को दे दिए गए और उनको सुपर इम्पोज किया, तो मेरे से पूछा रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या होगी. तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मैं जानता हूं कि एम्पलीट्यूड जो होता है मेरे पास उसको मैं वेक्टोरियली ऐड कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं, एम्पलीट्यूड को वेक्टर फॉर्मेट में ऐड कर सकता हूं. तो सिस्टमैटिक मैनर में इनका फेज एंगल यूज करते हुए हम एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली ऐड करेंगे. जब इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटीज की वैल्यू सेम है, सो इट मींस इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू होंगी वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सेम होनी चाहिए, तो सेम होंगी. अब इनको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, मैं इनको पहले प्लॉट कर लेता हूं. कैसे प्लॉट कर लूंगा, जैसे मान के चलो ये जो जीरो बना रहा है, अगर ये जीरो फॉर एग्जाम्पल ये जीरो मेरे पास बना रहा है, तो मैंने माना ये मेरे पास पहली वेव थी, ये दूसरी वेव थी, ये तीसरी और ये फोर्थ. ठीक है, तो ये मेरे पास मान के चलो ये जो बना रहा है ये इसका फेज एंगल ए वन है, जीरो यानी मेरे पास इस तरह से बनाएगा. दूसरा π/3 यानी 60 डिग्री मेरे पास, तो ये 60 डिग्री किस तरह से बना लेगा, यानी जो ए टू होगा मेरे बेटे वो कितना बनाएगा इससे 60 डिग्री. चलो अगला क्या दिया, 2π/3 यानी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यानी मेरे पास देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा समथिंग अबाउट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इस तरह से A3. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, A3. ये कितना होगा 120, अगर ये 120 होगा ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री. चलो अगला क्या दिया गया, पाई यानी 180, ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा A4. ठीक है, ये पाई, अब ये 60, ये 60, तो पाई 180, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे बेटे इंडिविजुअली, ये भी 60 हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटेंसिटीज इक्वल है, फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू A4 मेरे पास दे दिया गया सभी को. मैं मान के चलता हूं इसमें जो आएगी वैल्यू वो समथिंग अबाउट मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, मैं इनकी वैल्यू उसको कुछ मान लेता हूं, ए मान लेता हूं. ठीक है, अब क्या किया जाए, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज ही इक्वल है और डायरेक्शन वाइज ही अपोजिट है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, यानी इनका नेट इफेक्ट मेरे पास नहीं आएगा. जो नेट इफेक्ट आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा. तो मैं इस A2 और A3 की क्या कैलकुलेट कर लूं, इस A2 और A3 का नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लूं. तो इन A2 और A3 का जब मैं नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, यानी ये कंप्लीट सिस्टम का जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए इक्वल अपोजिट की वजह से, दूसरा ए नेट जो आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा. अब कैसे आएगा, तो ए नेट क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, यानी A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस 2 A2 A3 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A2 एंड A3. तो एंगल कितना इनके बीच में, 60 डिग्री. सो इनकी वैल्यूज A है, सो A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A3 यानी 2A स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने बेटे 60 डिग्री. इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ए नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नेट की वैल्यू आ जाएगी समथिंग अबाउट मेरे पास √3A. जो ए नेट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, √3A आ जाएगी. अब मुझसे बोला क्या गया, इनको जब सुपर इम्पोज किया सबकी इंटेंसिटी बराबर थी, तो रिजल्टिंग वेव की जो इंटेंसिटी आती है वो Ni0 आती है. अब यानी मेरे पास जो इनका नेट एम्पलीट्यूड होगा, जो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा जो कि ये आया, ये नेट इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा. तो मैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या जानता हूं, मैं ये रिलेशन जानता हूं जो आई नेट होता है मेरे बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नेट के स्क्वायर के, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो इट मींस आई नेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर. सो ए नेट का स्क्वायर, ए नेट √3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर. चलो भाई, अब मेरे पास जो इसमें इंटेंसिटी बोली गई, अब ध्यान से देखना है इसमें, अगर ये मेरे पास इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट के स्क्वायर, 3A स्क्वायर हो जाएगा, अभी ऐसी बात है. अब मैं इसमें देखूंगा जो आई नेट की वैल्यू आ जाएगी वो किस तरह से आ जाएगी, ये 3A स्क्वायर.
तो जो इंटेंसिटी है वो एन आई नॉट की इक्वेलेंट है, यानी इट मींस इसमें जो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन की वैल्यू क्या है मेरे बेटे इसमें 3। सो जो फाइनल आंसर आया एन की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई इसमें 3 आ गई। ये कैसे आए ऑन कंपैरिजन भाई, ऑन इन दोनों को कंपैरिजन जब किया मैंने तो एन की वैल्यू मुझे क्या मिली 3। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट इन दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर वीडियोज फॉर रेगुलरली वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज सो एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो थैंक यू बच्चों, आगे बात है अगले वीडियो में, हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, आप इन वीडियोज को रेगुलर वॉच करिए, एंजॉय करिए और सीखिए बेटा। थैंक यू।